वर्टिकल मेन्यू बार बनाने के लिए भी आपने उसी तरह से जो है ना वो HTML का टैग स्टार्ट करना है, और बॉडी के अंदर आपने सबसे पहला स्टेप आपके पास वही होता है ना, मेक अ लिस्ट ऑफ लिंक्स, कि आपने लिस्ट लिंक्स की एक क्या बनानी है, लिस्ट बनानी है पूरी, ठीक है। उसमें आपने उसी तरह से सबसे पहले, लास्ट टाइम मैंने डिव रख लिया था, आप चाहें तो इसे इस तरह से डायरेक्ट भी बना सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या बनाया था, लिस्ट ऑफ लिंक्स, ठीक है, यानी ए के टैग्स। मैंने आपको एक टास्क भी मेरे ख्याल में दिया था कि ड्रॉप डाउन आप बनाना है आपने। ये एक बन गया था, उसके बाद हमने इसे यहाँ पे, मतलब स्टार्ट वैसा ही आपका, ठीक है। ये मैं टेक्स्ट चेंज नहीं कर रही अंदर से, क्योंकि आपको पता है कि आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। मैंने बस जल्दी से आपको वर्टिकल नेविगेशन बार बनाना सिखानी है। कुछ बच्चों के ना स्क्रीन जब करते हैं ना, तो उनके ना ये साइड से ना यहाँ पे, चाहे वो मार्जिन जीरो भी कर दें, फिर भी स्क्रीन से फासला रहता है। वो एक बच्चे का इशू आ रहा था, उसके लिए फिर आपने क्या करना है, बॉडी का टैग सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे, पहले स्टाइल, स्टाइल का टैग लगाएं, आपने बॉडी को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसको जो है ना आप क्या कह दें, मार्जिन जीरो कर दें, ठीक है। जो स्क्रीन से बाय डिफॉल्ट कुछ लोगों का फासला आ रहा होता है, वो खत्म हो जाएगा इससे, ठीक है। अगर बाय डिफॉल्ट एलिमेंट स्क्रीन से जो है ना वो मूव कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएंगे। फिर आप अनऑर्डर लिस्ट को पिक करें। सबसे पहले तो आपको पता है हम मार्कर्स रिमूव कर देते हैं, यानी लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देते हैं। उसके बाद हम मार्जिन जीरो कर देते हैं, और पैडिंग भी क्या कर देते हैं, जीरो, यानी डिफॉल्ट जो फासला है हमारा वो खत्म हो जाता है। ये साथ साथ में आपको, बल्कि लास्ट टाइम मैंने आपको व्यू तो दिखाए हुए सारे कि किस तरह से चलें, फिर भी चेक कर लेते हैं। ये डिफॉल्ट फासला खत्म हो गया, मार्कर्स खत्म हो गए। मार्कर्स खत्म होने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी जो बैकग्राउंड कलर, मैं अगर इसे आसान करूं, ग्रीन कर लेते हैं इस दफा, तो बाय डिफॉल्ट में देखें ये फुल आता है, क्योंकि आपको पता है कि बाय डिफॉल्ट ये फुल लेता है। हम इसकी विड्थ कम कर लेते हैं, क्योंकि हमें अब वर्टिकल बनानी है, तो विड्थ हमारी कम होगी, ठीक है। विड्थ हमने इसकी कर ली 25%। आप ये देखिएगा, ये स्क्रीन का इतना हिस्सा कवर कर रहा है, ठीक है। विड्थ कम कर ली, और हाइट इसको दे लेते हैं 100%। ठीक है, हाइट अभी इसको पैडिंग नहीं दी, और साथ ही इसकी पोजीशन कर लें आप फिक्स्ड। बल्कि पहले मुझे वो काम दिखाए ना, आप लोगों ने किया है या नहीं, ठीक है। जब मैंने पोजीशन इसकी फिक्स की है, तो ये देखें, ये 100% हाइट के ऊपर आ गया है, ठीक है। पहले हमने हाइट तो दी थी, लेकिन उससे क्या हो रहा था कि इसमें हम कंटेंट्स और डालते तो हाइट बढ़ती रहती, ठीक है। जैसे मैंने इसको पोजीशन दी है, तो ये अपनी फुल हाइट पे, जितनी इसकी हाइट थी वो इसने कवर कर ली, और इसकी पोजीशन भी क्या हो गई है, यहाँ पे फिक्स हो गई है, ठीक है। अब ये जो अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट किसकी वजह से आ रहा है, ए की वजह से, ठीक है। जो ए के टैग्स अंदर लिखे हुए हैं, ये होम, ये बार बार जो मैंने होम लिखा हुआ है, ये ए के टैग्स की वजह से आता है। तो इसको मैं LIs के अंदर जो ए के टैग्स हैं, या UL, UL के अंदर LI है, LI के अंदर जो ए के टैग्स हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम सीक्वेंस बताया था। जो हर ए का टैग है, ए का टैग, उसका डिस्प्ले क्या होना चाहिए, ब्लॉक, ठीक है। और कलर इसका चेंज कर लें, वाइट कर लें टेक्स्ट का कलर, ये जो टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये
और इसके नीचे जो अंडरलाइन है उसे रिमूव कर लें, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, अंडरलाइन रिमूव होगी, ठीक है? आपको पता है अंडरलाइन इससे रिमूव हो जाएगी, और साथ ही हम इनको थोड़ा सा फासला दे देते हैं ताकि ये अभी जो बिल्कुल एक साथ नज़र आ रहे हैं ना, ये थोड़ा सा फासला हो जाए। मैं पैडिंग दे रही हूँ 18 पिक्सल टॉप बॉटम से और 32 पिक्सल लेफ्ट राइट से। ये देखिए, ये कुछ ऐसी हो गई, ठीक है? आप चाहें तो ज़्यादा भी इनको सेंटर में लाना तो सेंटर में ले आए, ठीक है? आप लेफ्ट राइट से ज़्यादा देना चाहते हैं तो आप ज़्यादा लगा सकते हैं पैडिंग। उसके बाद से आपने सिर्फ एक इफेक्ट लगाना है, LIA:Hover, कि माउस हॉवर करने से भी इसके ऊपर चेंजेस आए, ये चेंजेस, ठीक है? अब वो कैसे, उसके लिए बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए हॉवर करने से, टेक्स्ट कलर कर लेते हैं, ब्लैक कर लेते हैं। उसके लिए मैंने हेक्सा वैल्यूज दे दी ब्लैक के लिए, आप ब्लैक कलर नेम भी लिख सकते थे, और आप रन टाइम पे फॉन्ट साइज भी चेंज कर रहे हैं, ठीक है? फॉन्ट साइज अब इससे क्या होगा, ये देख रहे हैं आप, हॉवर करने से बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो रहा है, टेक्स्ट का कलर भी चेंज हो रहा है, और क्या चेंज हो रहा है, फॉन्ट साइज भी चेंज हो रहा है, ठीक है? फॉन्ट साइज, ठीक, ये तो ये आपकी एक मेन्यू बार बन गई है, ठीक है? ऐसी होती है ना मेन्यू बार, ये आपकी एक मेन्यू बार बन गई। अब आपने अगर यहाँ पे कुछ लिखना है इस हिस्से पे, तो वो आप कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ना UL के नीचे ना मेरा कोई जो है वो एक डिव हो, ठीक है? इस डिव के अंदर मैंने कुछ रखना है। यहाँ पे मैं अपना H1 एक रख लेती हूँ, इंट्रो दक्षिण, ठीक है? एक H1 बना लिया, इसी H1 को मैं थोड़ा सा रिपीट कर लेती हूँ, ठीक है? इस डिव के अंदर आपने कुछ रखा है जो आप इस मेन्यू बार के, वर्टिकल मेन्यू बार के आगे लेके आना चाहते हैं, और यहाँ पे आपने कुछ पी लगा लिया, पैराग्राफ, पैराग्राफ लिख लेते हैं, मैं इसी पैराग्राफ को कुछ रिपीट कर लेती हूँ, कंट्रोल सी किया, और मैं इसको बार बार यहाँ पे, ठीक, वही पैराग्राफ क्लोज, और अगेन मैं यही पैराग्राफ जो है ना रिपीट कर रही हूँ। जस्ट यहाँ पे कोई टेक्स्ट लेके आना है ना उसके लिए, अब देखेंगे कि ये टेक्स्ट डिस्प्ले कहाँ पे दे रहा है, ठीक। अब मैंने सेव किया, और अब देखिए आप डिस्प्ले कहाँ आ रहा है, डिस्प्ले किधर आ रहा है आपका? मैम ये मेन्यू बार के पीछे आ रहा है, ये मेन्यू बार के नीचे चला गया है, क्योंकि आपको पता है मेन्यू बार फिक्स है ना, तो वो नॉर्मल लेआउट से तो अपनी पोजीशन छोड़ देती है, ठीक है? पोजीशन हमने फिक्स पड़ी हुई थी, लेकिन वो जो टेक्स्ट है ना वो उसकी जगह पे आ गया। अब इसको हैंडल करने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे जाके ये जो डिव है ना पूरा, क्योंकि ये टेक्स्ट पूरा किसमें लिखा हुआ है, डिव के अंदर लिखा हुआ है, ये जितना भी टेक्स्ट है, इस डिव को यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिव को आगे लाने के लिए, यानी इस डिव को मार्जिन यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। तो इसको हमने इस ये इसकी हाइट कितनी रखी हुई है, सॉरी विड्थ कितनी रखी हुई है इस वर्टिकल बार की, 25। तो हमें इस 25 से आगे लेके जाना है, यानी इसका मार्जिन हम कहते हैं, और लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये वर्टिकल मेन्यू बार लेफ्ट साइड पे है, तो हम इसे कहते हैं लेफ्ट साइड से ना 25% आगे चले जाओ, ठीक है? डिव को कहते हैं, यानी इसे लेफ्ट साइड से कहते हैं कि आगे चले, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है? यानी उतना आ गया, आप इसे 26 कह देते हैं, या आप इसे, ताकि ये इस मेन्यू बार से निकल जाता, वो इस मेन्यू बार के पोर्शन से क्या हो गया, निकल गया, ठीक है? अब लेकिन ये ऊपर आ रहा है, ये ना डिफॉल्ट इसकी पैडिंग आ रही है ऊपर, इसको जो हमने यहाँ पे असाइन की हुई थी एक्चुअल में मेन्यू बार को, इसको खत्म करने के लिए भी जो डिफॉल्ट है,
आ रहा है, आप पैडिंग जो है ना वो दोबारा से इस डिव को भी पैडिंग असाइन कर दें। इसको मैं असाइन कर देती हूँ पैडिंग, इसको मुझे टॉप बॉटम कम रखनी है क्योंकि मुझे टॉप से ही एक्चुअल में मसला आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 पिक्सल कर देते हैं और आगे आप जो है ना वो दूसरी बेशक जो है ना थोड़ी सी 16 पिक्सल लेफ्ट राइट से करते हैं। ये देखें ठीक हो गया, तो ये डिफ मेरा यहाँ से भी नीचे हो गया है। जब यहाँ से नीचे हुआ है तो ये मेन्यू बार को अपनी जगह मिल गई ऊपर जाने के लिए, ये मेन्यू बार फिक्स यहाँ पे आ गई। तो इस तरह से वेटिंग रूम में कौन कौन है, इस तरह से ये मेरे पास, आप यहाँ पे चाहें तो अपने पेज के जो भी चीजें आपने लिखनी है वो यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एक वर्टिकल मेन्यू बार और उसके साथ यहाँ पे उसका आगे टेक्स्ट भी आ गया, ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस मैम, ठीक हो गया। इस तरह से आप अपना एक पेज जो है ना वो वर्टिकल मेन्यू बार के साथ डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैंने आपको बताना था फ्लोट्स के साथ इशू, कि फ्लोट के साथ इशू क्या होते हैं आपके, कि जब आप किसी भी चीज पे फ्लोट लगाते हैं तो फ्लोट जो है ना वो आपके जो फ्लोट से नीचे जो एरियाज होते हैं ना उनको उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर हमें वहां से जो नीचे वाले एरियाज होते हैं ना उनके ऊपर फ्लोट क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है फ्लोट को, ठीक है। वो कैसे, इसको मैं बंद कर रही हूँ, नई फाइल ओपन कर रही हूँ और इस नई फाइल को मैं सेव कर रही हूँ float.html, ठीक है। अब इसको जरा गौर से समझिएगा हम करने क्या वाले हैं। इसमें हमारे पास ना इसमें हम सबसे पहले बनाएंगे एक पूरा डिव, ये ठीक है, पेज को मैं डिजाइन कर रही हूँ, आप समझ लें पेज को हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। इसको मैं कोई आईडी असाइन कर दूंगी, इसके अंदर ये इसके अंदर मेरा पूरा सारा पेज होगा, ठीक। उसके बाद इसके अंदर मेरा एक हेडर होगा, ये यहाँ पे मैं चीजें नहीं लगाऊंगी, सिर्फ इनके पोर्शंस बनाऊंगी, ठीक। हेडर हेडर हो जाएगा, उसके बाद मेरा होगा यहाँ पे एक ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये अगर आप लोग शरारतें ना करते हैं, यकीन करें ये वेटिंग रूम वाला जो है ना मसला ही ना होता मेरे लिए। अब मुझे बार बार अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन ये आप लोगों की अपनी वजह है, ठीक। ये मेरा एक होगा, ये इसमें हेडर आ जाएगा, यानी एक डिव होगा आउटर, ये सारा डिव होगा एक आउटर, डिव के अंदर एक होगा हेडर, हेडर के अंदर मेरा एक ये कॉन्टेंट, फॉर एग्जाम्पल ये कॉन्टेंट्स का आ गया, ये होगा, ठीक है। इसके साथ मेरा ये होगा, ये एक लेफ्ट पैनल बनाऊंगी मैं, लेफ्ट पैनल, ठीक है। और लेफ्ट पैनल के अंदर अब और से इन चीजों को समझ जाए, ये मैं वहां पे अभी तो मैं डिजाइन कर रही हूँ ना, वहां पे फिर मैं इनके कोड करूंगी। एक मेरा होगा नेव बार का सेक्शन और यहाँ पे मेरा होगा न्यूज का सेक्शन, न्यूज का, ठीक है, ये मेरा न्यूज का सेक्शन होगा। और यहाँ पे मेरा होगा राइट सेक्शन, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। ये मतलब एक पेज का डिजाइन है, ठीक, राइट सेक्शन। और उसके बाद नीचे आ जाएगा मेरा फुटर, यहाँ पे आ जाएगा फुटर, ये। अब मुझे फ्लोटिंग कहाँ करनी है चीजों की, मुझे जब मैं ये वाला डिव, तो मेरा आसानी से बन जाएगा, जब मैं ये डिव बनाऊंगी तो ये भी मुझे सिर्फ इसकी, जैसे हमने अपनी अभी वर्टिकल नेविगेशन बार की विड्थ कम किया ना, मुझे इसकी भी विड्थ कम कर लेनी है, ये विड्थ कम करने से मेरा सेट हो जाएगा। जब मैं ये हिस्सा बनाऊंगी ना ये वाला, तो ये मेरा इसके नीचे आ रहा होगा, ठीक है, चीजों को गौर से समझिएगा, जरा अटेंटिव होके। जब मैं ये वाला हिस्सा बनाऊंगी, जैसे अभी हमने देखा कि जब हमने ये वाला हिस्सा बनाया तो इसके नीचे आ रहा था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस हिस्से को फ्लोट करना पड़ेगा, ठीक है, या मुझे मार्जिन असाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी मार्जिन असाइन किया तो ओके, लेकिन जब मैं फ्लोट करूंगी इस हिस्से को, इस डिव को यहाँ से फ्लोट करूंगी, तो उससे क्या होगा कि अगर मेरे यहाँ पे ये नीचे फुटर है ना, तो वो फ्लोटिंग का इफेक्ट मेरे फुटर पे होगा, मेरा फुटर यहाँ से उठ के ना यहाँ नीचे चला जाएगा, इस फ्लोट के नीचे चला जाएगा,
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि जहां पे मैंने फ्लोटिंग यूज की है उसके बाद मुझे फ्लोटिंग को क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है, क्लियर, ठीक है। वो कैसे क्लियर करते हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले ये जो जहां पे डिजाइन बनाया है ना, इस डिजाइन का एग्जैक्ट आपने क्या करना है, कोड करना है, ठीक है, इस डिजाइन का कोड करना है। अब ये कोड करते हैं, अब ये साथ देखते जाइएगा कैसे कैसे। सबसे पहले तो हमने क्या लिखना है, HTML, बॉडी में हमारा सारा काम है। बॉडी में हम आगे यहाँ पे सबसे पहले हमने आउटर डिव बनाया, ठीक है, ये आउटर डिव हो गया, कौन से वाला, ये वाला, ठीक है, आउटर डिव। इस डिव को आईडी असाइन कर ली, इसने रैप किया हुआ सबको, तो इसको मैंने रैपर कह दिया, ठीक है। इसके अंदर मेरा एक डिव है जो कि, यानी इसके अंदर क्या है, ये हेडर, इसके अंदर सबसे पहले ऊपर हेडर है, ठीक है, तो इसको मैंने आईडी असाइन कर ली, हेडर, ठीक हो गया। हेडर के नीचे क्या है, एक मिनट वेट कीजिए, हेडर, हेडर हो गया हमारा,